I begin to एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ मॉर्फी की द जैक हिल पैलेट के बारे में, जो कि मोस्ट यूज़फुल पैलेट है अब तक के, और ये देखने में कुछ इस तरह की दिखती है। टडा! और ये यूज़ करने के बाद और इसको देखने के बाद आपको वाकई आपको लगेगा कि कोई आई शेड पैलेट है। तो ये इस तरह की दिखती है और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो कि आपके हर किस्म के इवेंट के साथ जो हैं अप्लाई हो सकते हैं, और ये हर किस्म के सूट के साथ आपको अपना एक नया ही शेड दिखाएगी। तो इसके एक एक स्वॉच करके मैं आपको दिखा देती हूँ सारे ही शेड्स, या मैं आपको कुछ शिमर्स, कुछ जो इसके मैट्स हैं वो दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की दिखती है। तो ये बहुत ही जो है खूबसूरत पैलेट है, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है अब तक के। वो इसलिए क्योंकि ये ऑल इन वन है। इसको आपके पास अगर ये वाली पैलेट है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और पैलेट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सारे वो शेड्स हैं जो कि हर लिहाज के ड्रेस के साथ, हर लिहाज के इवेंट्स के साथ आप इसके साथ मेकअप कर सकते हैं। और ये बहुत ही पिगमेंटेड है, और ये बहुत ही मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और इसके शेड्स तब तक नहीं हटते जब तक आप इसको मेकअप को अच्छे तरीके से रिमूव नहीं कर लेते। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, और इसमें हर किस्म के शेड्स हैं। जैसे कि आप बेस अप्लाई करने के बाद ये क्रीमी सा कलर यूज़ कर सकते हैं ये शेड, और ये मतलब इससे आप ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, सब कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑल इन वन है, और छोटे से स्लीक से ब्रश के साथ आप अच्छी सी कॉन्टोरिंग इसके साथ कर सकते हैं नोज़ की, चीक्स की। तो इससे आप स्मोकी आइज़ भी कर सकते हैं, इससे आप मतलब शिमरी आइज़ भी कर सकते हैं, इससे आप जो है बिल्कुल नेचुरल सी आइज़ भी कर सकते हैं, इससे आप हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके स्वॉचेस करके दिखाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ये लगा के कैसी लगती है, और ये कितनी प्यारी लगती है अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मैट्स दिखा देती हूँ, जो इसके मैट कलर हैं और जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले हम ये डार्क ब्राउन सा शेड लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। इससे आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये ब्लैक कलर का शेड लेंगे, विच लुक्स लाइक दिस, और हम इसे स्मोकी आईज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्मोकी आई के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लाइट टोन्स में ये ऑरेंज सा शेड, ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये बहुत ही प्यारा कलर है। अब आपको इसमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितनी ही पिगमेंट दिखा रहा है। और अब हम लेंगे इसमें ये
मरून सा शेड, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ये हैं इसके चार मैट के शेड्स के स्वाचेस। आई गेस मैं ग्रीन भी करके दिखा देती हूँ। तो ग्रीन जो है बहुत ही प्यारा सा लगेगा। ये ग्रीन है इसका स्वाच। तो ये इसके फाइव स्वाचेस हैं जो कि मैट के हैं। अब मैं आपको दूसरे हैंड पे इसके शिमर्स के करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लू लेंगे, ब्लू या पर्पल सा, नेवी ब्लू सा है, पर्पल सा शेड दे रहा है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम एक और कलर लेंगे, ग्रीन सा है, बहुत प्यारा है। अब हम लेंगे गोल्डन शेड, जो कि बहुत ही नेचुरल सा शिमर दिखा रहा है अपना। और अब हम लेंगे कॉपर कलर, जो कि अप्लाई करने के बाद इस तरह का दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लेंगे डार्क ग्रीन, ताकि इसके डार्क कलर की भी आपको पिगमेंट की समझ आ जाए। तो ये है इसका डार्क ग्रीन, और ये बाकी सारे शेड्स हैं, और ये इसकी पिगमेंट्स हैं फिंगर पे अप्लाई करने के बाद, और ये हाथ पे अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। और ये इसके मैट्स हैं, और ये इसके मैट के शेड्स हैं, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत हैं। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कितनी अच्छी पैलेट है, और आपको ये ज़रूर ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। और इससे आप अपनी आईज़ को जो है कॉम्पैक्ट पाउडर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें दो तीन शेड्स ऐसे हैं जो कि एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर का भी काम करते हैं, जैसे कि ये वाला, और ये अंडर आई को कंसील करने के बाद जिससे हम सेट करते हैं वो, और ये इसके ओवरऑल स्वाचेस हैं। ये मैट हैं, और ये इसके शिमर्स हैं, और ये इसके ये स्वाचेस हैं जो कि मैंने अप्लाई किए हैं। ये शिमर्स हैं और ये मैट्स हैं। तो इसमें और भी कलर्स हैं जिससे आप ब्लश ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये शेड्स हैं, ये ऑरेंज में हैं, ये पीच में आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए भी आप ये सब कलर्स जो हैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। ये वाला, ये वाला, ये तीन, मतलब पांच तो इसमें एज अ हाइलाइटर यूज़ हो सकते हैं। और दूसरा ये है, दो इसके लिए एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर का काम करते हैं, आई को और अंडर आई को कवर करने के लिए भी काम करते हैं। बाकी ये ब्राउन में हैं सारे शेड्स। उसके बाद ये डार्कर शेड्स हैं जो कि स्मोकी आई के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, डार्क ग्रीन, जो कि मतलब बोल्ड आई लैशेस, मतलब आईज को, आई मेकअप को करते हैं। इसके साथ अगर आप आई लैशेज अप्लाई कर ले तो वो बहुत ही ग्लैम सा लुक देती है और बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन शेड्स के ऊपर, जो कि टोटली आई मेकअप के लिए यूज़ होती हैं। ग्लिटर्स की भी आपको आई मस्ट से ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये अप्लाई कर लिए। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने एक डिटेल सा रिव्यू दिया है, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।